वेलकम टू उभरता गुजरात न्यूज़। मैं आपकी न्यूज़ एंकर हितल पटेल। तो आइए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। भारत और पाकिस्तान इस साल 3 मैच की T20 सीरीज खेल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 8 साल बाद दोनों टीमें किसी T20 सीरीज में भिड़ेगी। दोनों के बीच पिछली T20 और वनडे सीरीज दिसंबर 2012 में खेली गई थी। T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी, वही वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था। अगले हफ्ते होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक में इसको लेकर बातचीत हो सकती है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 30 मार्च को भारतीय विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मुलाकात हो सकती है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पर सहमति बन सकती है। पाकिस्तानी अखबार डेली जंग की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस साल मुकाबला मुमकिन है। अखबार ने PCB के एक सूत्र के हवाले से बताया कि पहले तो अधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, पर बाद में उन्होंने बताया कि दोनों टीमों के बीच 3 मैच की T20 सीरीज हो सकती है और इसके लिए 6 दिन की विंडो की तलाश जारी है। अखबार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीरीज की शुरुआत होती है तो भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार जब 2012-13 में दोनों टीमों के बीच त्रिपक्षीय सीरीज हुई थी तो पाकिस्तान टीम ने भारत का दौरा किया था। हालांकि PCB के चेयरमैन एहसान मनी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस सीरीज को लेकर अभी तक किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया और न ही इस संबंध में भारतीय बोर्ड BCCI ने उनसे बातचीत की है। दिलचस्प बात तो यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के 5वें मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी कुछ और T20 सीरीज की बात कही थी। विराट ने बताया था कि बोर्ड इस साल वर्ल्ड कप से पहले कुछ और T20 सीरीज आयोजित करने का सोच रही है। टीम इंडिया का शेड्यूल फिलहाल काफी टाइट है। 9 अप्रैल से IPL का 14वां सीजन खेला जाना है जो कि 30 मई को खत्म होगा। इसके बाद टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 से 12 जून तक होने वाले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद जुलाई में भारत के पास 1 महीने का फ्री समय होगा। भारत पाकिस्तान सीरीज के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगस्त में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ ही 5 टेस्ट की सीरीज भी खेलनी है। यह सीरीज 14 सितंबर को खत्म होगी। इंग्लैंड सीरीज के बाद और अक्टूबर में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास करीब 1 महीने का समय रहेगा। इस वीडियो को भी दोनों के बीच T20 सीरीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे ऐप उभरता गुजरात को डाउनलोड करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।